पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवनाई मौसमियाती तब्दीली ज़राअत सेहत और तालीम के शोबों में अहम इकदाम पर मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब कहा कि दोनों ममालिक के माबैन तवनाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इकदाम में तआवुन खुशाइन है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन और सलामती और खत्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरक हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाहां है। मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस स्कोर उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जज किया जाएगा। टारगेट्स बड़े क्लियर दिए गए हैं, जैसे तजारती खसारे को कम करना, जरे मुबादला को बढ़ाना, महंगाई की शरह की मैंने बात की, इसी तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करना, आईटी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों का IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर दूसरे से काम लेना आता है। हर वजारत को हकीकत पर मबनी अहदाफ दिए गए हैं। वफाकी ज़ेर तलात व नशरियात तातार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि वजारत खजानों को महंगाई में कमी, वजारत तिजारत को तिजारती खसारा कम करने और निशकारी की वजारत को PIA की निशकारी का टास्क दे दिया गया। काबीना अजलास में वज़रा से जवाब तलबी की जाएगी। कई महकमे बिलावजह चल रहे हैं, ऐसे महकमों को दूसरों में जम कर देंगे। कि वो अपनी शिकस्त को या हमारी कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम करते। वो PTI का जो प्रोपेगंडा सेल होता है, जो उनका तरीकेकार होता है, हर चीज को मुतनाजा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीबी की फतह को भी मुतनाजा बनाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने N207 में उम्मीदवार के अगवा के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। सईद खनी ने कहा कि नवाब शाह की नशिस्त हमेशा से PP ही जीती आई है। PTI ने आसिफा बीबी की जीत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ को इस मुहिम से कोई फायदा नहीं होगा। आसिफा बीबी के मद्द मुकाबल उम्मीदवार की कोई सियासी हैसियत नहीं। वजीर दाखिला सिंह जिया ने कहा कि कराची में जराइम के आदाद शुमार बढ़ते जा रहे हैं, पेश किए जाएं, कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। उक्का दुक्का एक जिंदगी का कारोबार है, ये जो चलना है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। कराची में ये जो वाकयात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम करप करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश रात भर जारी रही। लैंडस्लाइडिंग से अहम राब्ता सड़कें बंद। वादी नीलम की मरकजी सड़क 3 मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक हो गई। शारा नीलम पर केलसरी लबात और सिमारी के मकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग। KP को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहारी गली के मकाम से बंद। पंजाब बलूचिस्तान और KP में शदीद बारिश, यालाबारी, मुख्तलिफ शहरों में ओले पड़ गए, खड़ी फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसा, खवातीन बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए, 12 जख्मी। मजमूई तौर पर 27 मकानात को नुकसान पहुंचा, 3 घर मुकम्मल तबाह, 4 को जुजवी नुकसान, तैयार फसलें तबाह। PDMA के आदाद शुमार जारी। बलूचिस्तान में भी तेज बारिश, नशीबी इलाके डूब गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश मुतवक्के। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में रद्द बदल की समरी तैयार कर ली। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10 रुपये इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में भी 2 रुपये कमी की सिफारिश की गई। कीमतों का ऐलान हुकूमत की हतमी मंजूरी के बाद होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मार्च का रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया। FPR ने मार्च 2024 में 889 अरब रुपए के महसूल जमा कराए। तर्जमान के मुताबिक मार्च 2024 के लिए महसूल का हदफ 889 अरब था। महसूल की वसूली के लिए आज का दिन बाकी है। हतमी महसूल की वसूली के आदाद व शुमार जारी किए जाएंगे। FPR ने ताजे 2 से स्पेशल प्रोसीजर 2024 स्कीम का आगाज कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्कीम के तहत ताजर और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगी। महाना एडवांस से इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी।
अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर हाई कोर्ट के जजेस का खत काबीना ने मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दे दिया। कमीशन के सरबरा साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन होंगे। काबीना ने टीओआर की मंजूरी भी दे दी। कमीशन इल्जाम की मुकम्मल छानबीन करेगा। हकाई की बुनियाद पर एजेंसी महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज होगी। तजवीज जेरे गौर है ना, ऐसा कोई दस्तावेज देखने में आया है और एक बिला वजह एक क्या सराई पे मबनी मामला चला देना, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की खबरों में कोई सदाकत नहीं, इस तरह की खबरों में कान ना धरें। वफाकी ज़ेर इत्तला'आत अत्तार ने दो टोक वाज़ह कर दिया, कहते हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पाक सरजमीन की मिट्टी में अनगिनत शहदा का खून शामिल है। कैप्टन बासित अली शहीद भी इन शहदा में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान वतन अजीज के नामूस के दिफा में कुर्बान कर दी। पाकिस्तानी कौम शहदा की मकरूज है और शहदा की कुर्बानियों की बदौलत ही आज पाकिस्तान महफूज है। रमजान मुबारक का शरय मकबरा दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज लाखों मुसलमान एहतिकाफ में बैठ जाएंगे। गुरूब आफ्ताब से कबल मर्द मसाजिद और खवातीन घरों में सुन्नत एहतिकाफ करेंगी। हरमैन शरीफैन में भी 50,000 से ज्यादा अफराद का एहतिकाफ। रमजान के 20 रोज में 42,00,000 से ज्यादा अफराद ने उम्र अदा किया। ईद आने वाली है, खुशी का त्यौहार है, अच्छा होना तैयार है। कपड़े जूते चोली समेत दीगर सामान लेने शहरी बाजारों की जाने बाने लगे। महंगी अशिया सस्ते में लेने का मिशन, बच्चों ने भी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिए। चश्मे घड़ियां सब लेंगे, टशन बनाएंगे, दोस्तों को दिखाएंगे। मरियम नवाज 131 साल में मरियम आबाद चर्च जाने वाली पहली वजीर आला पंजाब। ईस्टर की खुशियों में शिरकत के लिए मरियम नवाज शेखपुरा में मसीही बरादरी की बस्ती पहुंच गई। मसीही घरानों में ईस्टर ब्रंच चेक तकसीम किए। मरियम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल, मिलकर ईस्टर का केक काटा। ज्यारत मुकद्दसा मरियम चर्च मरियम आबाद भी गई। वजीर आला मरियम नवाज ने चर्च के अहाते में पौधा लगाया। कौमी टीम की क्यादत फिर बाबर आजम को मिल गई। माया नाज बल्लेबाज वनडे और टी20 में कप्तानी करेंगे। वर्ल्ड कप में मायूस को इनकार करदगी के बाद बाबर क्यादत से सुबुकदोश हो गए थे। बाबर टी20 वर्ल्ड कप समेत 71 टी20 मैचेस की क्यादत कर चुके। इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैच जीते और 23 में शिकस्त का सामना रहा। पाकिस्तान के मार्शल आर्ट खिलाड़ी इरफान महसूद 8 साल के कम अरसे में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इरफान महसूद ने इटली के मार्सिलो फेरी का रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इरफान कैटेगरी में आलमी सतह पर सबसे आगे रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।